पटिपंडया बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे। आई वर्शिप द बुद्धा द धम्मा एंड द संघ बाय प्रैक्टिसिंग धम्मा इन अकॉर्डेंस विद द धम्मा। मे दिस हम्बल ऑफरिंग बी एक्सेप्टेड। Today is the remembrance day of respected Goenkaji, so I pay my respectful homage to his memory. He was mine and for many of us the first teacher who introduced us to the liberating teachings of the Buddha. हम लोग आज शुरू करेंगे चर्चा दूसरे बोधि पक्ष पे, जो ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते, इंद्रियों के बारे में। पांच इंद्रियों के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। सामान्यतः इंद्रिय शब्द से हम समझते हैं आंख नाक कान इत्यादि पांच इंद्रियां। अभी राजेंद्र जी ने जो विपश्यना भूमि पाठ किया उसमें 22 इंद्रियों की बात की गई, आपने शायद नोट किया होगा, जिसमें 6 इंद्रियां तो वही जो हम सामान्यतः समझते हैं, इसके सिवा 5 आध्यात्मिक इंद्रियां श्रद्धा वीर्य सती समाधि पन्या, फिर शारीरिक और मानसिक वेदनाएं, फिर 2 जेंडर के रिलेटेड इथ इंद्रिय पुरुष इंद्रिय और लाइफ फैकल्टी, फिर 3 सुप्रामंडेन फैकल्टीज सोतापत्ति मग्ग सोतापत्ति फल और अरहंत फल के बारे में। तो जो इंद्रियां बोधि पक्खे धम्म में मानी जाती हैं वो 5 जो स्पिरिचुअल फैकल्टीज हैं उनकी चर्चा की जाती है। और फैकल्टी शब्द का अर्थ क्या हुआ, वो इंद्र शब्द से ही क्लियर हो जाता है। इंद्र जो है वो देवताओं के राजा माने जाते हैं, तो ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द देवास एंड वट एवर दे डू। सिमिलरली दीज इंद्रियाज आर द कंट्रोलर्स ऑफ आवर एक्टिविटीज। सामान्यतः जो सामान्य इंद्रियां हैं आँख कान नाक, ये कंट्रोल करती हैं कि हम कैसे व्यवहार करेंगे संसार के साथ। इसी प्रकार पुरुष इंद्रिय स्त्री इंद्रिय, इसी प्रकार पेन प्लेजर सोमनस्य दोमनस्य, दे डिटरमिन हाउ आर वी गोइंग टू रिलेट टू द वर्ल्ड। इसलिए उन सबको इंद्रिय कहा गया। और उसी संदर्भ में ये आध्यात्मिक इंद्रियां की बात की जाती है, श्रद्धा वीर्य सती समाधि और पन्या। ये क्या, इसका तात्पर्य क्या हुआ, उसी बात को आगे चढ़ाए तो those are the indriyas which control the mind for awakening to occur। अगर हमको बोधि की ओर बढ़ना है तो ये 5 इंद्रियों को हमको भावित करना होगा, बहुलीकृत करना होगा, we have to strengthen them, establish them। और एक सेंस में ये इंद्रियां हमारी नेचुरल फैकल्टी है। सारी इंद्रियां जो है नेचुरल चीजें हैं, ऐसा नहीं कि हमको बाहर से लानी है। हम सब में कहीं ना कहीं श्रद्धा का बीज होता है, लेकिन वो कहाँ श्रद्धा लगी है वो अलग अलग जगह पे श्रद्धा लगी होती है। वीर्य भी अवश्य में होता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सती जो है वो हमारा नैसर्गिक क्वालिटी है हमारी सजग रहने की, हम सजग रहते हैं लेकिन किस लेवल तक रहते हैं वो अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है। इसी तरह समाधि जो है कलेक्टेडनेस ऑफ द माइंड, वो भी हमारा एक नैसर्गिक काम है, वरना हम कोई भी काम ना कर पाए। कोई भी काम करेंगे तो चित्त उसमें शायद बेशक थोड़ी देर के लिए एकाग्र करके काम करना होगा, और हर काम के अंदर हमको कोई ना कोई विजडम फैक्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। वो लोकीय पन्या हो चाहे लोकोत्तर पन्या हो, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। तो ये ऐसा है कि सारी सारी हमारी नैसर्गिक क्वालिटीज हैं, इनको हमको डेवलप करना है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ
awakening to the nature of reality, or for awake for begin developing our bodhi. और ये सारी टर्म ऐसी हैं जिनसे हम रफली फेमिलियर हैं, तो इस हरेक का क्या विवरण है डिटेल में वो आगे चर्चा करेंगे. मैं आज सोचा कि हम इनका ओवरऑल रिलेशनशिप और इनकी इम्पोर्टेंस समझने का प्रयास करें. तो इसके लिए मैंने सर्च करके देखा, एक दो सूत्र ढूंढे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी डिस्कशन हो भगवान की वाणी पर ही आधारित हो. तो जो दो सूत्र ढूंढे जिनमें इसके बारे में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, तो मैं उनको पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, उसको जहां जहां पाली की जरूरत होगी पढ़ूंगा, नहीं तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन डायरेक्टली कर दूंगा साथ साथ. तो एक सूत्र है संयुक्त निकाय में 48.50 आपन्न सूत्र. दुर्भाग्य से कहीं त्रिपिटक में इसको श्रद्धा सूत्र भी किया गया, तो मैं काफी मुझे ढूंढना पड़ा कि कहाँ चला गया ये सूत्र. तो जो मोदी जो सूत्र सेंट्रल है उसमें आपन्न सूत्र है, जो थानिसारो भिक्खु है उन्होंने श्रद्धा सूत्र लिखा हुआ उसको. सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट एंड व्हेन यू सर्च फॉर इट. तो अपन ने एक जगह का नाम है, एक टाउन का नाम रहा होगा वहां पे, उसके आधार पे है. तो एक जगह शुरुआत होती है कि भगवान वहाँ उस शहर में रह रहे थे, अपन नाम के शहर में, जो अंग प्रदेश का एक पार्ट था. और वहाँ पे वो वेनरेबल सारिपुत्ता से कहते हैं, एक्चुअली ये सारा जो प्रवचन है वो सारिपुत्ता ने दिया है, बट इन रिस्पॉन्स टू बुद्धास क्वेश्चन वो पूछते हैं, सारिपुत्र तुमको क्या लगता है कि एक श्रावक जो है जिसकी तथागत में श्रद्धा है और जो उनके प्रति समर्पित है, क्या उसको तथागत के बारे में या उनकी शिक्षा के बारे में कोई डाउट होगा, कोई शंका होगी या कोई विचिकित्सा होगी? तो वेनरेबल सारिपुत्र कहते हैं, नहीं भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, जो पूरी तरह से आपसे इंस्पायर्ड है, आपकी शरण में गया है, तो उसको तो कोई डाउट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है. और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी होगा. ही एक्सप्लेन, जैसे वो तो माहिर थे एक्सप्लेनेशन में. तो अच्छा, जिसकी श्रद्धा हो, जिस डिसाइबल की श्रद्धा होगी, उसमें तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि वो उस श्रद्धा के अनुसार काम करेगा, उसमें वीर्य जागेगा. आराध्य वीर्य वो शब्द यूज करते हैं, किस काम के लिए, कि जो अकुशल धम्म है, अकुशलानम धम्मानम बहाना है, कुशलानम धम्मानम उपसंपदा है. तो कुशल धर्मों को बढ़ाने के लिए उसके, और जो अकुशल धर्म है उनका प्रहार करने के लिए. जैसे हम वो वाद प्रतिमोखा में सुनते हैं ना कि सब पाप से करणम कुशल से उपसंपदा, तो वही शब्द यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया कि वो तो उसमें जिसमें आपके प्रति श्रद्धा होगी, उसको तो स्वतः ही ये भाव जागेगा कि मुझे अपने अकुशल चित्त की चेतनाएं हटानी चाहिए, कुशल चित्त की चेतनाएं बढ़ानी चाहिए. उसके लिए खूब मेहनत करेगा वो, और खूब दल पराक्रम होगा, खूब पराक्रम करेगा ताकि ये सब हो सके. और ये उसकी, इसी को भगवान उसकी वीर इंद्री कहा जाता है. सो गिविंग इट ए टॉक ऑफ दैट काइंड, सो एक्सप्लेनिंग द बुद्धा, इसी को वीर इंद्री कहा जाता है. और फिर जो आपका साधक सचमुच जो डिसाइपल है, शिष्य है, वो श्रद्धा भी है, उसमें वीर्य भी जाग गया, तो स्वाभाविक बात है कि वो सतिवान भी हो ही जाएगा, वो सजग तो रहेगा ही, अपने आप सजग रहने की कोशिश करेगा और पूरी कोशिश करेगा याद रखने की, मुझे हमेशा सजग रहना है या हमेशा सजग रहना है, और ऐसा याद रखने की कि इतनी पुरानी पुरानी बात है कि उसको याद रहेंगी, भूलेगा नहीं, क्योंकि उसकी सजगता बढ़ जाएगी. तो ये उसकी सती इंद्रिय कहा जाती है, भगवान सती इंद्रिय होगी. और अब जो आपका साधक शिष्य जो है, जिसमें श्रद्धा भी है, वीर्य भी जाग गया है, सती भी बढ़ा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वो समाधि उसकी पुष्ट हो ही जाएगी, चित्त समाहित हो जाएगा, और वो समाहित करेगा चित्त को, और क्योंकि उद्देश्य उसका मुक्त होने का है, तो वो उसका आलम्बन रहेगा मुक्त होना, और उसके आधार पर समाधि बनना, उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी. लभसी चित्तस्य एकाग्रतम, स्वाभाविक बात है, ये भी हो ही जाएगा. और फिर जिसकी समाधि पुष्ट होगी, जिसके डिसाइबल में श्रद्धा भी है, वीर्य भी है, सती भी है, समाधि भी है, तो समझ स्पष्ट है कि वो उसको समझ में आ जाएगा, भैया ये संसार ऐसा है कि इसका कोई आप छोर नहीं ढूंढ सकते कि कब यह इग्नोरेंस शुरू हुई और कब मैं निकलूंगा. और उसको समझ में आ जाएगी, मैंने ना जाने कितने अनगिनत संसार के चक्र किए हैं, जीना मरना जीना मरना चलता रहा, और इसका तो एक ही तरीका है कि मैं अपनी जो अविद्या है उसका समाप्त कर दूं.
उसके लिए कोशिश करूं पूरी तरह से, क्योंकि अविद्या समाप्त होगी तो मुझे शांति मिलेगी. एंड देन ही कोट्स द सेम थिंग यू नो, संतमेतम पदम पनीतम, तो शांति का पद मुझे प्राप्त होगा यदिदम, अर्थात सब संखार समतो सब उपाधि पटि निसग्गो तन्हा कयो विरागो निरोधो निब्बान, मतलब वो निर्वाण का भी साक्षात्कार करने के लिए सक्षम हो जाएगा, उस डायरेक्शन में काम करेगा, अपने जो संस्कार हैं उनका शमन कर देगा, जितनी उपाधियां हैं जितनी एक्विजिशंस हैं जिनके उसके जिसके साथ वो चिपकाव है उसको त्याग कर देगा, तृष्णा समाप्त हो जाएगी, विराग हो जाएगा, डिस्पैशनेट हो जाएगा, एंड निरोध हो देर बी सेसेशन ऑफ ऑल द अराइजिंग फिनोमेना. और इसको भगवान कहते हैं पन्या इंद्रिय. तो इज एक्सप्लेनिंग टू अस एवरीथिंग बट ही इज एड्रेसिंग टू बंते, या ही इससे बनते पन्या तदस्य पन्या इंद्रिय, ब्यूटिफुली इज टेलिंग बुद्धा ऑल दैट. और जो भगवान जिसकी इस तरह से जो काम करेगा सचमुच में, और वो शुरू करके खूब मेहनत करेगा, सतीवान बनेगा, समाधि का अभ्यास करेगा, और वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा, तो क्यों हाँ अभी तक इससे पहले तो मैं सुनी सुनाई बात के ऊपर आपका विश्वास कर लिया था, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, अब तो मैंने पेनिट्रेट करके देख लिया, अब तो मैंने पटिवेदन करके देख लिया. और जब वो ये कहेगा कि मैंने पटिवेदन कर दिया, तब ये श्रद्धा उसकी श्रद्धा इंद्रिय बनेगी. सो ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड केम बैक, दैट्स हाउ द श्रद्धा जो उसकी स्टार्टिंग श्रद्धा थी विच वॉज बेसिकली आउट ऑफ बिलीफ, आउट ऑफ यू नो इन सेंस ऑफ फेथ इन द टीचर, लुकिंग एट द टीचर, मीटिंग विद हिम, नाउ इट इज बिकम हिज इंद्रिय. ये तो उसके लिए डोमिनेंट हो गया ना, अब उसको आप पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, इट डजंट नीड एनी फेथ नाउ. यू नो इन अनदर सुत्ता बुद्धा से ही छे सारे पुत्ता, फॉर दीज थिंग्स आई डोंट नीड टू हैव एनी फेथ इन यू, मुझे कोई फेथ नहीं है, बिकॉज आई नो इट डायरेक्टली. सो दैट्स द काइंड ऑफ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन विच ही गिव्स इन दिस, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड श्रद्धा इंद्रिय किसे कहते हैं, और किस तरह से श्रद्धा का बाकी सारी इंद्रियों से एक सामंजस्य बैठता है, देयर ऑल joining together in that sense. So from one other arises, from other the third and fourth and fifth, they are in a sequence. And of course, jitni pragya jagegi, utni shraddha aur jagegi. Aur phir wo cycle jo hai, spiral ki tarah chalta chala jayega. So this you can understand like that. So ek aur sutra main chahunga share karna, thoda shayad samay zyada ho jaye. Wo Anguttara Nikaya mein hai, 7.63, Nagaro Upama Sutta. अगेन दिस सूत्र में भी नंबर जो है एक कहीं जो पे 7.67 दिया हुआ है सुत्ता सेंट्रल में, और भिक्खु बोधि ने 7.63 दिया हुआ है, तो प्लीज बियर विद देम दीज डिफरेंसेस. वो एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, क्योंकि ही इज ए प्रिंस एंड ही हैज बीन अ प्रिंस, सो ही नोज किस शहर को कैसे प्रोटेक्ट करना है. तो नगर की उपमा देते हैं कि एक नगर है, जैसे उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसके फ्रंटियर पे किला बना देते हैं बड़ा भारी, और उसमें सारे सोल्जर्स रहते हैं वगैरह रहते हैं जो प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर रहेंगी, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, सोल्जर्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और नगर के चारों तरफ एक मोट बनाया जाएगा, जैसे पानी का छोटा गैप रहता है ना, जो खाई सी बनाई जाएगी पानी भरी की, और एक सड़क होगी चारों तरफ ताकि कोई आए उस पर भी सैनिक चलते रहें, और उसकी दीवारें इतनी स्ट्रांग होंगी, उस पर प्लास्टर लगा होगा. तो इस तरह से सात तरह से जो है एक फोर्ट्रेस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कहते हैं इसी तरह से एक साधक को भी अगर मुक्त मुक्त होना है, अगर उस डायरेक्शन में चलना है, तो उसके अपनी जीवन को सात तरह से फोर्टिफाई करने की आवश्यकता है. तो इसमें वो कहते हैं सात सद्धम्म है, सेवन होलसम धम्म विच ही हैज टू विच ही मस्ट टू गेट एंडोर्ड विद, विच ही मस्ट डेवलप सफिशियंटली, एंड देन he must develop behind beside them, he must develop four jhanas which will give enable him to be in pleasant abiding at any moment, whenever he wants he can be in pleasant abiding, unpleasant situation ho chahe kaisi bhi ho wo apne ko pleasant abiding mein rakh sakta hai. To fir wo batate hain acha kya saat qualities hain, to isme panch to wahi indriyan hain aur do aur qualities hain jinko bhagwan guardians of the world ka kaha tha, aapko yaad hoga, hiri and utappa. So these are the seven
Sadhammas, which he talks about, and one more is the learning, you know, learning of the Dhamma. So it is actually eight, but seven, but the jhanas he takes out of this, the samadhi ko wo isse bahar le jaate hain. So Bhagwan usme batate hain ki jis tarah se ek fort banaya jata hai to uski foundation pehle banayi jati hai strong. Diwaron ki sabki foundation strong hoti hai, tabhi aage fort banaya jata hai. तो इसी प्रकार से जो एक साधक है, जो डिसाइपल है, वो अपना कन्विक्शन स्ट्रांग करता है, श्रद्धा स्ट्रांग करता है. श्रद्धा के फाउंडेशन पे ही सब कुछ बनने वाला है. अगर श्रद्धा स्ट्रांग नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है. और श्रद्धा क्या होगी? भगवान के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा. तो उसमें फिर वो पूरी चैंटिंग है, इति पीसो भगवान, जो हम करते हैं. सो ही सेज दिस इज हाउ ही डेवलप द श्रद्धा इन द बुद्धा, द टीचिंग्स एंड द संघ. And with conviction at his foundation, then what does he do? He abandons the unskillful qualities, develops the skillful qualities, and looks after himself with purity. So basically, sari shraddha ka uddeshi hai ki Bhagwan ki shiksha to ye kehti hai, chitta shuddh karo, akushal karmo se bacho, kushal karma ka sampadan karo, aur chitta shuddh karo. To dono kaam bhi karta hai, aur chitta ko shuddh bhi karta hai. Kyon? Usme shraddha hai Bhagwan ki shiksha ke prati. फिर ये कहते हैं ये पहली सद्धर्म है जो एक अच्छे साधक में होना चाहिए. फिर दूसरा साधक, दूसरा सद्धर्म क्या, कि जैसे एक फोर्ट के चारों तरफ एक खाई बनाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, उसमें पानी भर के ताकि कोई आ ना पाए, तो इसी तरह से वो खाई बनाता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई गलत काम ना हो जाए. तो उसको हीरी का ना उसका प्रोटेक्शन है, दी मॉरल शेम, कोई वेरी थॉट ऑफ कमिटिंग है bodily misconduct, verbal misconduct, he just can't tolerate. He's so ashamed of it. So he just doesn't cross that boundary. So jaise khai cross nahi kar sakte, usi tarah se moral shame ke karan, he feels shame at falling into evil, unskillful actions. And with the sense of shame, as his moat arthat khai, the disciple abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. And this is the Dutiya Saddhamma. This is the second good quality which he develops. And then third, जैसे फोर्टेस के चारों तरफ सड़क बनाई जाती है जिसपे सिपाही हमेशा रहे प्रोटेक्शन करने के लिए, उसी तरह से वो तीसरी चीज जो है वो तप्पा, मॉरल ड्रेड, फियर. ही क्रिएट्स अ फियर कि मेरे से गलत ना काम हो जाए, कोई भी शील ना टूट जाए, बॉडीली मिसकंडक्ट ना हो, वर्बल मिसकंडक्ट ना हो. और जैसे कि वो सड़क से सिपाही रोकते हैं कि कोई अंदर ना आ जाए गलत काम, इसी तरह से वो इस उत्तप्पा के आधार पर रोकता है कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए. और ये उसकी तीसरी क्वालिटी है जो उसको सद्धर्म की क्वालिटी है जो उसको आगे बढ़ाने में सहायक होती है. फिर चौथी, जैसे कहते हैं कि फोर्टेस के अंदर अंदर नाना प्रकार के वेपन्स रखे जाते हैं, एरोज और स्वॉर्ड्स और ये सब चीजें, ताकि शत्रु आए तो उस पर उससे बचाव किया जा सके, उस पर हमला किया जा सके. तो इसी तरह जो एक साधक है वो बहुत कुछ सीखता है, बहुसुतो होती, he learns a lot of the dhamma, various techniques, various things which will act him in the help him to protect at different conditions. Different तरह के जो अटैक होंगे उसके लिए different तरह की टीचिंग उसको चाहिए होगी. सो ही इज ए बहुसुतो होती, एंड ही हैज लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स, ही हैज रिमेंबर्ड देम, अंडरस्टूड देम, एंड व्हाट आर द टीचिंग्स, वही उनकी जो गुण है टीचिंग के, आदि में कल्याणकारी जैसे हम सुनते हैं, एडमिरेबल इन द बिगनिंग, एडमिरेबल इन द मिडल, एडमिरेबल इन द एंड, देन ही अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, देयर एक्सप्रेशंस, एंड दैट ही देन डिस्कस रिटेन्स देम, डिस्कसेस देम, एग्जामिन्स विद माइंड, पेनिट्रेट्स विद हिज व्यूज. दिस इज लर्निंग एक्ट्स एज हिज वेपन्स. सी द ब्यूटिफुल एनालॉजी. With learning as his weapons, the disciple of the noble ones abandons what is unskillful, develops what is skillful, abandons what is blameworthy, develops what is blameless, and looks after himself with purity. This is the fourth quality, which is endowed. You know, कि जिस तरह से नाना प्रकार की impurities आने की कोशिश करती हैं, उनके लिए नाना प्रकार की हमको शिक्षा की जरूरत है, ताकि उनको वहीं पर रोक सके. So that's the analogy, very powerful analogy which is given here. And then the next one. कि जैसे एक फ्रंट फोर्टेस के अंदर अब सब कुछ अस्त्र शस्त्र से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सोल्जर्स भी तो चाहिए. सोल्जर्स होने चाहिए, कैवलरी होगी, चैरियटियर्स होंगे, तीर चलाने वाले, और एलिफेंट्स होंगे,
और उनकी सप्लाई होगी ताकि जो कुछ है उनको प्रोटेक्शन कर सकें, अगर कोई अंदर आ भी जाए, कोई बाहर से हमला हो जाए तो उससे प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरह से भिक्खु जो है आराध्य वीर्य होता है, ही डेवलप दैट परसिस्टेंस एंड दैट वीर्य सो दैट ही डजेंट अलाउ अनहोलसम क्वालिटीज टू कम इन एंड गोज ऑन डेवलपिंग होलसम क्वालिटीज अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द लाइक द आर्म, दिस पर्सन वो एग्जाम्पल देते हैं, दिस परसिस्टेंस इज इज आर्मी बाई विच द डिसाइपल ऑफ द नोबल वंस अबंडेंस व्हाट इज अनस्किलफुल डेवलप्स व्हाट इज स्किलफुल एंड लुक्स आफ्टर हिमसेल्फ विद प्योरिटी। ओके सो दिस इज द फिफ्थ क्वालिटी, पंचमेन सद्धमेन समनागत होता। देन द सिक्स्थ क्वालिटी कि जैसे एक रॉयल फ्रंटियर में फोर्टेस में गेट कीपर भी रहता है, बहुत समझदार, वो देखता है किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है, किसी जो अपना मित्र है उसी को अंदर आने देगा, नहीं तो जी को अंदर नहीं आने देगा। इसी तरह से एक साधक जो है सती डेवलप करता है, माइंडफुलनेस डेवलप करता है, जिसमें इतना माइंडफुल हो जाता है तो सर ही नोज व्हाट क्वालिटी शुड ही अलाउ इन व्हाट क्वालिटी शुड ही नॉट अलाउ इन। सो द विद माइंडफुलनेस इज इज गेट कीपर, द डिसाइपल ऑफ द नोबल वंस अबंडेंस व्हाट इज अनस्किलफुल डेवलप व्हाट इज स्किलफुल एंड सो ऑन। सो दैट इज हिज सिक्स्थ क्वालिटी। ओके एंड देन दी सेवेंथ क्वालिटी कि जैसे जो फ्रंटियर है उसको सब बन भी गया, जो फोर्ट है पूरा बन गया, लेकिन उसको फिर भी प्लास्टर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अंदर से भी बाहर से भी। तो इसी तरह से जो एक डिसाइपल है वो प्रज्ञा डेवलप करता है, जिससे कि वो समझता है, वो प्रज्ञा इज देयर इज लाइक हिज कवरिंग ऑफ प्लास्टर बाय विद द हेल्प ऑफ विच ही नोज वट एग्जैक्टली इज टू बी रिमूव्ड, वट एग्जैक्टली इज टू बी कैप्ट and that enables him to develop his purity, not to do unwholesome things, keep on doing wholesome things. So इस तरह की सात क्वालिटीज भगवान ने बताई, इसमें चार तो इंद्रिय आ गए और तीन दूसरी क्वालिटी सीधी और तप्पा और लर्निंग। नॉर्मली लर्निंग की चर्चा होती नहीं है, और फिर ये तो सात क्वालिटीज हो गई, उसके बाद कहते हैं जो चार ध्यान है वो इस तरह से हैं जिस तरह से विभिन्न तरह का भोजन रखा जाता है उस फोर्ट के अंदर, तो पशुओं का भोजन अलग होगा पर मनुष्यों का भोजन अलग होगा, वो भी नाना प्रकार के, चावल भी है, गेहूं भी है, सब्जी भी है, खाना भी है, घी भी है, पौष्टिक पदार्थ भी है। सो दोज इन दैट ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ फाइननेस ही लिस्ट देम, दिस इज द फर्स्ट जाना, दिस इज सेकेंड जाना, दिस इज थर्ड जाना, दिस इज फोर्थ जाना। तो उस प्रकार से तो जो ध्यान है वो एक तरह से भोजन है, ताकि हम अपने आप माइंड को एक प्लेजेंट अबाइडिंग में हमेशा रख सकें, जैसी भी परिस्थिति हो वी शुड बी एबल टू कीप अवर माइंड इज इन प्लेजेंट अबाइडिंग। एंड देन ही कंक्लूड्स दैट बाय सेइंग दैट विद देन सो वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स ही डिस्क्राइब्स इट देम एंड एसोसिएट्स देम विद वेरियस ध्यानास। सो मैं ज्यादा और डिटेल में नहीं जाता उसको। So then he concludes it, when a disciple of the noble ones is endowed with these seven saddhamas, true qualities, and can obtain at will, without difficulty, these four jhanas, then he is said to be the disciple of the noble ones who cannot be undone by Mara, who cannot be undone by the evil one, which means Mara has no influence on him, will definitely cross over to the other shore. This is the beautiful analogy and the sutta, which I hope will motivate us to reflect on this. What exactly are the qualities which are needed to break through? Five indriyas are there. And what is the role of each is very beautifully explained. It was samadhi ka kya role hai, panya ka kya role hai, virya ka kya role hai, satya ka kya role hai, or shraddha ka kya role hai. Shraddha is like the foundation, which is a very fundamental thing on which the whole edifice is constructed. So we'll stop here for the day. May we all develop these five indriyas, progress in the Dhamma.